coil having entrance carrying a current I as shown in the figure, the magnetic field intensity at point P is, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है एट पॉइंट पी पे हमारे पास क्या होगी। तो हमें पता है कि एक्सिस के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, न्यू नोट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पार क्या होती है थ्री बाय टू। तो इसमें एन नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं, तो यानी कि वन के लिए हमारे पास क्या होती है आई का करंट फ्लो कर रहा है, एक टर्न में आई का करंट फ्लो कर रहा है, तो एन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास आई इंटू में एन, क्योंकि वन टर्न्स के लिए, वन टर्न के लिए हमारे पास करंट क्या है आई का, तो एन टर्न्स के लिए कितना हो जाएगा आई इंटू में एन। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगी न्यू नोट आई एन आर स्क्वायर डिवाइड बाय में टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी थ्री बाय टू। तो दिस इज द आंसर।